Hi ladies and gentlemen, hopefully you all know about me. Alhamdulillah, I am engineer today and I am proud and wish you all best of luck. Bye! Suma, how do you feel engineer? I'm sorry. Hey. There will be some feelings. When your degree will be finished, you will know from the COMSATS. Little star, how do you feel engineer? Engineer! Top! इंजीनियरिंग करके अच्छा लगा है क्योंकि अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़े और अपनी पसंद के जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे वो पढ़े और यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ साथ बहुत अच्छा गुजरा. सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैं आया था तो मुझे जो है एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा. बस जी, इंजीनियरिंग का आपको क्या बताऊँ, ऐसा समझ लीजिए एक सबज मिर्च की कुल्फी है और जूस के मुकाने है. बन गए इंजीनियर, बन गए. वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल पावर कॉम सेट अहमदाबाद से करना चाहता था, लेकिन घर के दबाव की वजह से इलेक्ट्रिकल टेली कम्युनिकेशन लाहौर में यानी कि करने का मौका मिला. घर वालों का दबाव भी था, वो भी अहमदाबाद नहीं जा सकते थे, तो बस एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लोग अच्छे मिले, अच्छे फ्रेंड थे, तो ओवरऑल बस अच्छा लग रहा है कि इंजीनियर बन गया हूँ मैं और बस बेस्ट ऑफ लक. यार चलिए, बहुत अच्छा तो फील हो रही है ना, देखो ना 660 वाला इंजीनियर बन गया यार. तो बस बहुत फीलिंग गुड है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा फील. हाउ डू यू फील आफ्टर जस्ट अ सेकंड डे? ओ मैं इंजीनियर बन गया भाई. व्हाट इज द कोर? बहुत अच्छा मोमेंट, बताओ कितना अच्छा. विक्ट्री, हम इंजीनियर बन गए. हैशटैग ओवर एक्टिंग, जैसा था वैसा ही लग रहा है. यार देखिए, इंजीनियर बनना मेरा शुरू से एक पैशन था और मैं चाहता था कि मेरे घर के बाहर एक प्लेट लगे जिस पे लिखा हो इंजीनियर मलिक शहजाद इसहाक कमाल. विद रिटर्न टिकट, आई एम श्योर शहजाद हैज डन. सर पहली बात तो ये है कि मुझे एक्चुअली पता नहीं था इंजीनियर होते क्या है. ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये देखने आया था, पढ़ने का ऐसा मुझे कोई शौक नहीं था कि भाई इंजीनियर कौन सी बला होती है, भाई ये बनते कैसे हैं. मैं सिर्फ ये देखने आया था इंजीनियर्स बनते कैसे, मतलब अल्लाह की करनी ऐसी, मैं अभी धक्के से इंजीनियर बन गया हूँ, ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है. मुझे तो और ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है क्योंकि आज के बाद लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछेंगे अब क्या करना है और मेरे पास उसका जवाब नहीं है. सो स्टिल नर्वस. यस, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग डिग्री करके? एक्साइटेड. अलहमदिल्ला यार, ये चार साल में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं भूल सकते, लाइक हॉस्टल लाइफ में जो हमने फन की है, इंजॉय की है, और ये टूरिज्म में लाइक वड़ा के जो डायलॉग्स थे, जुबैर की जो हंसी खेली थी, उसके अलावा यार मतलब लॉट ऑफ थिंग्स इन क्लास वी डिस्कस विद गर्ल्स, जॉक्स विद गर्ल्स, आई नेवर फॉरगेट दिस जॉक. डिग्री का कोई यादगार वाक्य मतलब? आई डोंट वी गो अदर वे अराउंड. आप लोगों के लिए कैसा था? आई मीन आई स्टेड एट मोमोज प्लेस लास्ट सेमेस्टर में, वी मेड अ पीस ट्रीटी. मैंने एक बार अपने दोस्त के फेसबुक खोल के उसके बच्चियों के मैसेज करे. यूनिवर्सिटी का कोई इंटरेस्टिंग वाक्य? यार इंटरेस्टिंग तो होता है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग का एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर ना एक लड़के की बोतल थी, तो उस बोतल के अंदर मैंने 3-4 बोतल्स ऐड करके ना रख दी, वो पी गया था, उसको पता नहीं था चला. सलमान के ऊपर जो मैंने असाइनमेंट फेंकी थी. जैसा कि रिसेंटली मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे घर जाना पड़ गया, मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया. उधर क्लास के कोई तकरीबन सारे हॉस्टलाइट जितने भी लड़के थे ना, कोई 15-20 तो सारे उधर चले गए, तो वो मेरे लिए ना काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि किसी के लिए, किसी के दिल में इतनी बात है कोई मेरे लिए सियालपुर में. तेरा? अच्छा, मेरा सबसे अच्छा मोमेंट जब मेरे, आपको सबको पता होगा, जब पावर के पेपर में मेरी बूटी पकड़ी गई थी, वो मोमेंट मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा कि कैसे मैंने कवर किया जल्दी जल्दी से. एनी प्रूफ्स है, ख़त्म हर चीज़, सारे हैरान कि ये हो क्या गया है. और बूटी की वजह से मेरी मशीन भी चली गई. यार वो पावर में नहीं, मशीन में तेरी अलग थी, पावर में अलग. हाँ पावर में. एक कोई इंडिविजुअल वाकया तो नहीं है, मैं मेरे पूरे 4 साल जो है यहाँ पे बहुत अच्छे गुजरे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था, कराची से आया हुआ था, और लाहौर में मैंने टाइम गुजारा था. जितने भी मेरे यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स थे उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और मैं ओवरऑल 4 साल का जो पीरियड है वो कभी नहीं भूलूंगा, और सारे अपने क्लासमेट्स को बहुत मिस करूँगा.
जो वाक्य मुझे याद रहेगा वो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे सलमान ने गाड़ी अपनी चलाना सिखाई थी और मुझे लगा शायद वो फिर मुझे ऑफ़र करेगा और मैं इस इंतज़ार में सारी डिग्री गुजर गई, उसने मुझे दोबारा ऑफ़र नहीं की। डिग्री का एक बेहतरीन वाक्य ये है कि मैं अपने आप की बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ कि मैंने आखिरी दिन भी बढ़िया को ना मामू बनाया और उसे कोट पहना दिया बैच फोटो जबकि सब कैजुअल्स में आए थे और बेचारा कल्ला ही कोट पहन के ऐसे करके खड़ा हो गया। आगे की फूलिंग की थी हॉस्टल में तो ना ये सोया हुआ था तो इसके मतलब बैग पे हमने स्प्रे करके तो वो आग लगा दी थी तो बच गया लेकिन वीडियो भी अवेलेबल है। हाँ वीडियो अवेलेबल है हमारे तरीका बताया था लेकिन मैंने जब वही तरीका इस्तेमाल किया तो उसी दिन वो लड़का मेरे सामने फंस गया था। ये मेरी जिंदगी में सबसे इंटरेस्टिंग वाक्य मेरे लिए तब था जब आप लोगों ने उस बंदे को इतनी इज्जत दी जिन्होंने कार से नहीं कोई पूछता तहरान में। अच्छा तहरान में जब हम दो साथ झील पे पहुंचे थे तो हम चार लड़के रह रहे थे, आप हॉस्टल वाले रह रहे थे तो आप लोगों ने वहाँ देख के जैसे सल्लू सल्लू शोर डाल दिया। मैं तो एक वक्त के लिए हैरान हो गया था कि यार ये मेरे क्लास वाले हैं मुझे से दे रहे हैं तो ये मोमेंट मैं कभी भी अपनी सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बचकाना हरकतें भी की। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने एक आईडी बनाई, दो तीन लड़कों को फंसाया भी, उनसे बात करता था लोग, फिर वो सुबह आके मुझे ही बताते थे यार मैंने आज उससे बात की, उसने ये बात बताई, उसके इतने नंबर है तो दरअसल आपको मैं ही बात करता था, सुबह मुझे आके बताते तो अच्छा लगता था कि अब बेहतर है कि आप लोग समझ गए बनाई थी जी। बाकी तो बस पहले तो यूनिवर्सिटी में तो यही याद रहेगा कि एक इंटरनल प्रेजेंटेशन दी थी और एक एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन दी थी। मागर मुसल्ली हाय हाय, मागर मुसल्ली हाय हाय, मागर मुसल्ली हाय हाय, मागर मुसल्ली हाय हाय, मागर मुसल्ली हाय। यार मैं ना अपने क्लास का स्कूटी मास्टर, सब मुझे ना मास्टर कहते हैं, तो मैं बेसिकली करता क्या हूँ, मैं अपने पीछे वाले का सारा पेपर छाप लेता हूँ, उसको पता भी नहीं लगने देता। ठीक है, मेरा बेसिकली मेथड ये है कि मैं अपना क्वेश्चन पेपर इधर रख लेता हूँ अपने कोनी पे और सारा उसका पेपर ऐसे पीछे छाप लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं लगता। अगर आप भी ट्राई करें तो यार चीटिंग शीटिंग बोटी शूटिंग बाबा की पर है कि मैं जिड़ियाँ खक मारना है ना वो बड़ा जादू एंज करके वो बड़ा मजा आता है। मोमल नोज बेटर बिकॉज एल्को की क्लास में फाइनल पेपर में मोबाइल मोमल का और पेपर एल्को का और मोबाइल पकड़ा जाना और फिर भी ना पकड़ा जाना एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ मोमल। यार बूटी ऐसी बनाओ किसी को समझ ना आए और जब भी मैंने बूटी बनाई कोई ना कोई पकड़ा गया मेरी बूटी बना के सबसे पहले उसको कमीज के पल्लू को उल्टा करके उसके ऊपर रख के सॉल्यूशन टेप से चिपका के नीचे छोड़ दो और करो जब वो चेकिंग के लिए उठाएं खड़े हो जाओ ऑलरेडी हिडन हो जाएगा। बूटी तो मैंने कभी लगाई नहीं है लेकिन मैं अक्सर पेपर देके जब बाहर निकला हूँ तो मुझे अक्सर लोगों ने मिल के मुझे कहा है कि यार थैंक यू यार तुम्हारा पेपर किया है और मुझे पता भी नहीं होता था वो कैसे मेरा पेपर करते थे, मुझे खुद नहीं पता होता था और आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ भी बैठे होते थे मुझे बाद में आगे मिलते थे और फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक उन्होंने मुझे जो है ना बाहर आके कुछ लोगों ने थैंक यू किया कि यार तुम्हारा पेपर किया। तो लोग मेरे से टिप्स लेना चाहते हैं बूटी के, वो ये है कि आप कॉम्सेट्स की शीट्स रखें अपने पास एक्स्ट्रा, घर से भर के ले आए स्कूल से, चाहे वो पेपर के लैब हो पेपर हो जिस तरह भी हो, अगर उससे ऊपर से देख के लिखना है तो स्कूल से लिखो बाहर में उसको फोल्ड शोल्ड करके जेब में डालो और बाहर फेंक दो या फिर उसको अगर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसको उसके साथ वैसे ही स्टेपल कर दो, कोई टीचर को कुछ भी नहीं पता चलता। बूटी लगाने का ऐसा मैंने इतनी एक्सपीरियंस नहीं रहा कोई अच्छा, लेकिन एक दो दफ़ा लगाई थी कोशिश की पूरी। सबसे बेस्ट ये है आप यहाँ पे अपनी आस्तीन के अंदर रखो, ये मैं हिना का तरीका फॉलो करना चाह रहा हूँ, आस्तीन के अंदर रखो EMT सेशन 2, ये हल्का सा बाहर निकाल के वहाँ से देखो, बेस्ट तरीका ये नहीं तो इस तरह बैठ के ना इसके नीचे रख लो, वहाँ पे कोई चेक भी नहीं कर सकता सीधी बात है। लगाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, नाशित साथ बैठा होता है मेरी राइट साइड पे और मेरा व्यू इतना क्लियर होता है, वो इतना एक्सपर्ट है, मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ कि हम फ्रंट सीट पे बैठ के फुल ऑन चीटिंग कर सकते हैं, आंसर पूरा पूरा क्वेश्चन जिग-जैग बूटी एक मेरी बेहतरीन किस्म की ईजाद है जिसे मैं फोल्ड करके अपनी इस हथेली में रखता था, ऐसे करता था और जब भी देखना होता था मैं इस तरह खोलता था देख लेता था फिर ऐसे करता था। चीटिंग के तो आप लोगों को सबको पता है कि हम मास्टर रह चुके हैं, हमने पूरी डिग्री चीटिंग पे या वो जो तरीके जिनके पीछे क्लास लड़ती रही है उनके साथ गुजार लिए हैं। चीटिंग का हमारा ये लेवल है कि सिर्फ ईसा का कमाल है, ये बैठो और ये गर्दन हिलाए बगैर लिखना शुरू कर दो और सबसे बड़ा असूल इसका ये है कि आपको फ्रंट रो में पहले नंबर में बैठना पड़ेगा।
मैं आपको बात बताता हूँ, DCS का पेपर था, कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल ब्लैंक थे। तो नाशिद के साथ में बैठ गया था और नाशिद के 45 मार्क्स आए थे और मेरे 42.5 मार्क्स आए थे। ये सब मेरे इस आंख का कमाल है। और हॉस्टल में जब सुबह पेपर होता था ना, फाइनल पेपर, तो सारे बच्चे पढ़े होते थे, मैं सो रहा होता था और मैं सुबह 6-7 बजे उठ के बनाता था और ये सारे बच्चे मेरी ड्यूटी कॉपी करवा। और जिस पेपर में बढ़िया पकड़ा गया था, मशीन के पेपर में मैंने इसको मना किया था, बढ़िया ना बना तो आज पकड़ा जाएगा, और बढ़िया उस पेपर में पकड़ा गया। उस दिन ना थोड़ा सा ना ओवर एक्साइटेड हो गया। मेरा मेथड कुछ इस तरह से था कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एंड तक ये काम मैंने किया है, और मैंने किया भी ऐसे कि टीचर के हाथ में मेरी बूटी होती थी लेकिन मैं पकड़ नहीं सकता था। मैं रोल नंबर स्लिप के पीछे ही सब कुछ पेंसिल से लिख लेता था, कभी भी किसी टीचर ने रोल नंबर स्लिप को उल्टा नहीं किया, जिसने किया साइन किया है और उसने कभी भी उल्टा करके नहीं देखा। तो ये मेरा मेथड था जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही यूनिक था। नाज़रीन, इस वक्त आपके सामने SP13 PTE की मोस्ट हरामी पर्सनैलिटी और मैं आपके सामने। हम सब सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ करना चाहेंगे, अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना यार, प्लीज़। हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। उसके बाद थैंक यू यार आप लोगों का, आपने हमें पूरे चार साल बर्दाश्त किया है हम दोनों को, थैंक यू यार। पहले तो हम सब आपसे मदद करना चाहेंगे कि हमने कुछ ख़ास लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, वो ख़ास लोग जो 3-3 नंबर के लिए अपनी जंग जारी रखते हैं और हमें असाइनमेंट नहीं देते थे। हमने क्या किया है, बड़े और मैंने ख़ास तौर पे अरसलान खालिद के कैबिन से TCCN की असाइनमेंटें उठाते थे, उठा के उन्हीं के सामने आग लगा रहे होते थे और वो ये पूछ रहे होते थे यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, और वो सारे पास ही खड़े लोग पूछ रहे थे यार किसी से नंबर नहीं लगे, इनकी असाइनमेंट पता नहीं पता नहीं क्या कर दिए यार, भी बड़ा सच्चे वाला। तीसरे सेमेस्टर में जब मैम सबक के ऊपर कन्फेशन किया गया था, क्लास में सब परेशान थे किसने कन्फेशन किया, जिस बंदे ने किया था उसने मुझको बताया था और मैंने पूरी क्लास में वो बात छुपाई थी, और वो था पूरम बलोच जिसने वो कन्फेशन किया। मोमल वांट टू कन्फेस समथिंग, मोमल को कोई क्यूट लगता था पास्ट माज एंड मी या फ्रेंड जोन टोटली शहजाद अगेन फ्रेंड जोन तुम गाओ सोचा जा सकता है सोचा नहीं क्यूट है वो मेरे को बसालत क्यूट लगता है एंड मी आई हैव नथिंग आई एम कमिटेड फ्रॉम पास्ट 60 इयर्स बात यही करना चाहूँगा कि मैं मतलब मुझे नहीं समझ आती कि मैं करप्ट कैसे हूँ, लेकिन मैं एक अपनी गलती मानना चाहूँगा कि जो मैं सब बनाने पैसे थे वो वाकई मैंने इस्तेमाल कर ये मैं अपनी गलती मानना चाहूँगा, और इसका ये मेरे पे उधार है, ये मैंने सबको वापस करने हैं जिनके हैं, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि जिस जिसके हैं वाकई मेरे से ले लें। नाज़रीन देखिए, जैसा कि हमारा सीनियर भी खुद अपनी जुबान से क्लाम कर रहा है कि मैंने करप्शन की है, आपको साबित हो गया ना मैं सच कहता था ना, ये सलमान जो है ना ये करप्ट है। हाँ, मैं आपको लड़कों की साइकी शेयर करना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि लड़के जो हैं लड़कियों के पीछे कितने पागल होते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि लड़की है भी एक्चुअली कि नहीं है, बस लड़की का नाम देखना उनके लिए काफ़ी होता है, दिल भर जाता है। मैं ना फोर्थ सेमेस्टर की बात है कि मैं निशान वगैरह के रूम में गया, नाम मेंशन करने का मसला तो नहीं है, निशान वगैरह के रूम में गया हूँ, तो सिग्नल एंड सिस्टम्स का पेपर था सुबह 9 बजे, और मैं सिग्नल की बुक मांगने गया था, हमसे बोरो करने गया हूँ, तो वो ना किसी आई डोंट नो वो लड़की थी या लड़का था कुछ था, लड़की टाइप की चीज़ थी, तो ना फेसबुक पे ना बात कर रहे थे और मैं लिटरली आधा घंटा खपता रहा, मुझे ना बुक दे दो सिग्नल्स की, उसने किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सिर्फ एक लड़की के पीछे मेरे ना माइंड में एक बात सूझी। मैं रूम में आया हूँ, मैंने एक फेसबुक का अकाउंट बनाया जिसका नाम था कोमल इशफाक साहिबा, मैंने अकाउंट बनाया उस पर ना मैंने पहले तो हफ्ता डेढ़ चॉकलेट्स की पोस्ट ये फलाना ढमकान जैसे सिंगिंग वगैरह लाइक कर उनके जो लड़कियों को यूजली पसंद होता है, उसके बाद मैंने जनाब एक हमारा बी सेक्शन का नाम लेने का प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, नाम लेने से मसला तो नहीं है, बी सेक्शन का एक हमारा एक जनाब है हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब आकिब भुट्टो साहब, आकिब भुट्टो साहब को ना मैंने पिक्चर लाइक की, उनको समझ नहीं आई मैंने क्या किया उनके साथ,
तो उनको पिक्चर लाइक की, उनको समझ नहीं है क्या हुआ। फिर मैंने दो तीन बंदों से ना पैगाम पहुंचवाया, भाई इनको बताओ मैंने इनकी पिक्चर लाइक की है ना, कुछ देखें साथ में। उनको नहीं पता था नोटिफिकेशन कुछ चीज़ होती है फेसबुक पे। खैर जब उनको जब पता लगा है कि ये लड़की है, तो फिर तो उन्होंने सीक्वेंस का पेपर को मारी गोली, आए सीधा मेरे पास, बातें शातें शुरू हुई हैं ये वो। मैंने फिर क्या करना, उनकी अंग्रेज़ी तो थी ना बिल्कुल बिल्कुल डाउन थी, तो मुझे मसला ये था कि मेरे मुँह से कभी निकल ना जाए कि मैं ऐसा करता हूँ फलाना नमका। मैंने ना इंग्लिश में बात करना शुरू की शुरू से। अब वो उनको इंग्लिश के पिन की स्पेलिंग तक नहीं आते थे, इवन कि आई के स्पेलिंग नहीं आते थे उनको। तो उनको इशू ये था कि उनको कोई ना गाइड करने वाला हो। अब वो गाइड करने वाला बंदा कहाँ से ढूंढते जबकि बच्ची से बात कर रहे थे वो। खैर उन्होंने एक दो बंदे ढूंढे, तो जो बंदे उन्होंने गाइड करने के लिए ढूंढे ना, उन बंदों ने मेरे पे अपने अलग से लाइन मारना शुरू कर दी। तो इस तरह ना उनका नाम भी लिया गया, उनका नाम नजमुल हसन शिराजी साहब ने, एक करना साहब के बेटे माशाल्लाह, इन्होंने मेरे पे अलग से लाइन मारना शुरू कर दी इंग्लिश बोल बोल के ना। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने भी अपने पेपर शेपर छोड़े, मैं भी इनके पीछे लग गया शुरू हो गया। तो खैर मैंने इस तरह अपने माशाल्लाह अपनी क्लास के आसिफ खान साहब फंसाए हैं। आसिफ खान मुझे डार्लिंग कह के बुलाते हैं, उनकी शादी मेरे दो तीन हफ्ते तक शादी होने वाली मेरी उनके साथ। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। बहुत।